हर रविवार की तरह रेडियो मधुबन के श्रोताओं को पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के लिए लीना मेहंदले का नमस्कार। 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम और पढ़ रहे हैं संस्कृत। आप हमें 94 14 15 14 15 इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजते रहिए और ईमेल भी करते रहिए info@radiomadhuban.in पर। मित्रों, आज हम एक गंभीर विषय ले रहे हैं कि भाषा क्या होती है। जब हम कहते हैं कि पठामी संस्कृतम, तो हम किस बात की पढ़ाई कर रहे होते हैं? कहने को तो हम कहते हैं कि हम भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाषा तो मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का और दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। तो भाषा से बात आती है हमारे मन पर, और मन से बात आती है हमारी पूरी संस्कृति पर। एक छोटा उदाहरण हम देखते हैं एक घड़े का। घड़े के साथ तीन बातें जुड़ी होती हैं। पहली बात उसका शास्त्र, कि वह कैसे बना है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए उसे बनाने के लिए, बनाने वाले की कुशलता कैसी है, कुम्हार ने अपनी चाक को कैसे घुमाया है ताकि वह घड़ा उस आकार को धारण कर सके जैसा कुम्हार चाहता है, वह जल्दी टूट जाता है इत्यादि। दूसरी बात है उस घड़े से होने वाले काम, उसकी उपयोगिता। तो घड़े की उपयोगिता हमें ऐसे समझ में आती है कि घड़े में पानी रखा जा सकता है, यह पानी को ठंडा करता है, सबकी प्यास बुझाता है इत्यादि। लेकिन घड़े के साथ एक तीसरी बात भी जुड़ी होती है, जो बात है दार्शनिकता की। जब हम कहते हैं और घड़े की तुलना सागर से करते हैं, हम ये कहते हैं कि देखो, है तो छोटी सी गागर पर सागर को भी समा लेती है। तो यहाँ बात आती है एक भावना की, एक उपमा की, एक काव्यात्मक कल्पना की, एक अभिव्यक्ति की, और ये सारी बातें दार्शनिकता से जुड़ी होती हैं। तो भाषा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भाषा है क्या, उसका शास्त्र क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चलन कैसा है, थोड़े संक्षेप में कहें तो भाषा का व्याकरण कैसा है। तो मित्रों, किसी भी भाषा के शास्त्र को समझने के लिए हम उसका व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस भाषा के माध्यम से हम किस विषय को समझ रहे हैं, किस विषय का ज्ञान हमें मिल रहा है। जैसे चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। तो यह ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें भाषा का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन सवाल केवल भाषा पढ़ने का या भाषा के ज्ञान का नहीं होगा, सवाल होगा अर्थशास्त्र नामक विषय को समझने का, समझ पाने का, चिंतन कर पाने का। तो भाषा के माध्यम से हम दूसरे अन्यान्य हजारों विषय सीखते हैं, और संस्कृत का ज्ञान भंडार वाकई इतना विशाल है कि अगर हम इस भाषा को पढ़ें और फिर सोचने चलें कि मैं अब किस विषय को पढ़ूं इस भाषा के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि हजारों विषय, हजारों पर्याय आपके सामने खुले हैं। जिस दिशा में जाइए, ज्ञान बटोरिए। अगले पाठों में हम उस ज्ञान की भी बात करेंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं बता सकती हूँ कि जब हम भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती पढ़ेंगे, जो संस्कृत में है, तो वास्तव में हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे बल्कि बीजगणित, ये विषय पढ़ेंगे, क्योंकि लीलावती ग्रंथ का विषय है बीजगणित। तो हमें गणित या बीजगणित सीखने के लिए वह भाषा सीख करके हम उस बीजगणित को सीखेंगे अगर हम भास्कराचार्य लिखित पुस्तक को पढ़ेंगे। इसी प्रकार राजनीति,
भूगोल, इतिहास, गायन, संगीत कला, नृत्य कला, ड्रामे की कला, थिएटर की कला, रंगमंच की कला, खगोल शास्त्र, समुद्र शास्त्र इत्यादि हजारों विषय ऐसे हैं जिन पर संस्कृत भाषा में हम कुछ न कुछ पढ़ने की सामग्री, ज्ञान की सामग्री पा सकते हैं। इस ज्ञान भंडार को हमें खोना नहीं है और इसीलिए हमें बार बार याद करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा और लगन से करना भी पड़ेगा वह काम जो है पठामि संस्कृतम, अर्थात हम संस्कृत पढ़ेंगे। मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ते चलेंगे ताकि उस ज्ञान भंडार को हम सुरक्षित रख सकें, उसका हम लाभ उठा सकें, उसका उपयोग करते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वह ज्ञान सौंप सकें, वह थाती सौंप सकें। लेकिन शास्त्र और उपयोगिता या शास्त्र और विषय वस्तु, इनके अलावा भाषा से भावोत्पत्ति भी होती है और यही है उसका दार्शनिक पक्ष। जब एक माँ कहती है बेटा तुझे मेरा आशीर्वाद है, तो इस एक वाक्य में माँ के ममत्व की झलक मिलती है, बेटे की श्रद्धा जाहिर होती है और बेटे को दिया जाने वाला संबल भी इसमें समाहित है। इसी तरह जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तब हमारे मन में वीरता और गर्व और बलिदान का भाव जागृत होता है। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारे अंदर पूरे ब्रह्मांड को जानने का और शक्ति का भाव जागृत होता है। यही कारण है कि जब मैं कहती हूँ आप रेडियो मधुबन सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो तुरंत आपके मन में एक सदिच्छा का भाव जागता है और आप आनंदित होकर मुस्कुरा देते हैं। इसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा से हमें हजारों वर्षों की एक विरासत मिली हुई है और भाव जगाने वाले सुंदर उद्धरण भी। जैसे अगर हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो इससे हमारे समाज का एक नीति मूल्य प्रकट होता है कि सच की ही सदा जीत होगी। या जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुंधरा ही हमारा कुटुंब है, तो पूरे विश्व के प्रति एक शांति, सद्भावना और कुटुंब का भाव जागृत होता है। या जब हम कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं ही निरंतर आनंद स्वरूप और शिव अर्थात कल्याण करने वाला या करने वाली हूँ, तो हमारे मन में अपने आप एक भाव उपस्थित हो जाता है जो कि आनंद विभोरता का भाव है, चिरंतनता का भाव है और कल्याणकारी भाव है। और यह चिदानंद स्वरूप होने का भाव, ये हमारी भारतीय मानसिकता को और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। तो भाषा का ज्ञान, भाषा की पढ़ाई इसलिए भी होनी चाहिए जिससे हमें अपने पुरातन काल से, चिरंतन काल से चले आ रहे नीति मूल्यों का पता चलता रहे और हम उसी से प्रेरणा लेकर के अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए अपनी प्रगति और विकास का मार्ग अपना सकें। आज का विषय थोड़ा दार्शनिक तो हो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह पूरा विवेचन आपको पसंद आया है, तो आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।